हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में मोटो एज 50 न्यू स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 10 फीचर्स बताऊंगा, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। आप उनको ऑन करके यूज करके अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और तगड़े तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे आपको ट्रिक्स बताया हूँ, हिडन फीचर्स बताया हूँ, स्पेशल फीचर्स बताया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको आना इस फोन की सेटिंग्स में। फिलहाल ये कंट्रोल सेंटर इस स्टाइल में है, अभी फिलहाल ये देख लीजिए, हम ये इस स्टाइल में है ना। आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में आके होम एंड लॉक स्क्रीन में आके कंट्रोल सेंटर में आके यहाँ पर मॉडर्न स्टाइल करेंगे इसको। तो अब आपका जो नोटिफिकेशन पैनल कंट्रोल सेंटर है वो इस स्टाइल में आएगा, ये देख लीजिए। और नोटिफिकेशन देखने के लिए इस साइड से लेकर नीचे आना है और इस साइड से ये आइकन्स आएंगे। दूसरे फीचर की बात करते हैं, इसके लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। नीचे आएंगे एकदम कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आके अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। हम यहां पर इसको ऑलवेज पर सेट करेंगे। तो अब मान लो आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखे हैं, आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। आप कहीं भी दूर स्मार्टफोन को रखे हैं तो नाम सुनकर पता कर सकते हैं किसका कॉल आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरे फीचर की बात करने के लिए आना है आपको इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइज है, यहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन को कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइकन शेप है, आइकन शेप में मतलब आपके जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इनके शेप को चेंज कर सकते हैं। जिस शेप के एप्लीकेशन आपको अच्छे लगते हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव करेंगे तो वो एप्लीकेशन उसी स्टाइल में हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे आने के बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, मतलब आप फिंगरप्रिंट लॉक सेट करके रखा है तो अनलॉक करते वक्त में एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। और इसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके जो क्लॉक स्टाइल है आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा यहाँ पे आप विजेट्स भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसको आप निकाल भी सकते हैं, दूसरा ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके आपको मान लो नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद वो लॉक स्क्रीन पर किस स्टाइल में दिखे आपको नोटिफिकेशन से वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बबल करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं वो आइकन्स आपको यहाँ पर बताएंगे उन एप्लीकेशन के। इसके अलावा आपको जो लॉक स्क्रीन पर दो जो शॉर्टकट्स बताते हैं उनको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पर जो आपको रखना है लॉक स्क्रीन पर दो शॉर्टकट्स ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूरे अपने इसको क्या बोलते हैं इसको लॉक स्क्रीन को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चौथे फीचर की बात करते हैं, आपको लॉन्ग प्रेस करना होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन में आना है, यहाँ पे ऊपर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपको कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं, आपने गलती से क्लियर भी कर दिया है तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कौन से ऐप को नोटिफिकेशन आए थे। इसके बाद कमाल की चीज ये है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखता है, ये काफी कमाल की बात होने वाली है। पांचवी फीचर की बात करें, मान लो कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड है कॉल करता हूं बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, दूसरे एप्लीकेशंस ओपन करके बढ़ जाता है, आप क्या करेंगे, डायल पैड को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिन पर क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे, अब ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है, अब आप दूसरा एप्लीकेशन नहीं यूज कर सकते, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब बैक आएगा ही नहीं। अब इसको निकालने के लिए बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, आपको अनलॉक करना है, उसके बाद बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। आप कोई भी एप्लीकेशन के साथ ऐसे कर सकते हैं, ये एक ही एप्लीकेशन के साथ नहीं दोस्तों। तो आप इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में, आप नीचे आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, और नीचे आना है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके एकदम नीचे आके ऐप पिनिंग ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, तभी आप ये सेटिंग यूज कर सकेंगे, तभी आप ये फीचर यूज कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पे छठे फीचर की बात करते हैं, इसके लिए आपको कैमरा ऐप को ओपन करना है, यहाँ पे आपको थ्री डॉट पर मतलब सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आना नीचे, यहाँ पे कैप्चर मेथड्स है, आपको इस सेटिंग में जेस्चर सेल्फी ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। इसके बाद ऑटो स्माइल कैप्चर ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेंगे, तो आप सेल्फी कैमरा ओपन करके आप स्माइल करेंगे तो ऑटोमेटिक फोटो क्लिक हो जाता है। इसके बाद टैप एनीवेयर टू कैप्चर इस सेटिंग को भी ऑन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है दोस्तों, तो ये काफी अच्छी चीज बन जाती है। यहाँ पे सातवें फीचर की बात करते हैं, इसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन में आना है, नीचे आना है आपको इस तरह से,
यहाँ पे आपको आना है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, ये बाय डिफॉल्ट तो श्योर रहता है। ये क्या है, मान लो आपको कोई भी मैसेजेस नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से ओटीपी लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। तो उसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर लेना। आपने कर लिया, मान लो आपको कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे, ओटीपी वगैरह आती है तो लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, आप अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे आने के बाद ही दिखेगा, उससे पहले आपको यहाँ पर नहीं दिखता। दोस्तों यहाँ पे आठवें फ्यूचर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको मोटो बोलकर एक फोल्डर मिलता है, इसको ओपन करके मोटो सिक्योर बोलकर एप्लीकेशन मिलता है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करके आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन स्कैमर्स, यहाँ पे ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। आप कोई भी ऐसे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं या वेबसाइट को ओपन करते हैं जो हैकर का है, जो स्कैम हो सकता है उससे, तो आपको डिटेक्ट करके स्मार्टफोन बताता है, तो आप बच सकते हैं उस स्कैम से। तो चलिए बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे नेटवर्क प्रोटेक्शन भी मिलता है, इसको भी ऑन कर लेना। आप ऐसे कोई वाईफाई को वगैरह कनेक्ट करते हैं जो हैकर का है, जिससे आपके फ़ोन को रिस्क वगैरह है, तो आपको ये स्मार्टफोन डिटेक्ट करके बताता है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ बन सकती है। यहाँ पे नाइन फ्यूचर की बात करने के लिए इस फ़ोन के सेटिंग्स में आके, यहाँ पे जैसे सेटिंग में आते हैं नीचे आना है, आपको जेस्टर्स में आना है और नीचे आएंगे यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसे कि क्विक लॉन्च है, यहाँ पे सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे इनमें से कोई भी एक फीचर, या तो आप इस पर क्लिक करके कोई भी एक एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे सेट कर लिया, ये देख लीजिए यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पीछे इस तरह से डबल टैप करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, आप इन सेटिंग को ऑन करके कर लेना यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फास्ट टॉर्च भी मिलता है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। आप दो बार इस तरह से करेंगे, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से आप करेंगे दो बार तो टॉर्च भी ऑन हो जाती है। और बैक आने के बाद पिकअप टू साइलेंस मिलता है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन किया, मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे फ़ोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे दसवें और तगड़े फ्यूचर की बात करते हैं, तो वो ये है, इसके लिए आपको आना है क्रोम को ओपन करके, यहाँ पे आपको सर्च बार में nabilinfo.com इस तरह से सर्च करके, इस तरह से टाइप करके आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। nabilinfo.com सर्च करने के बाद आप आएंगे इस वेबसाइट में, आपको यहाँ पे सर्च बटन यहाँ पर भी है, यहाँ पे आपको सर्च करना है रिंग, एक और बार रिंग 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 आपको यहाँ पे सर्च करना है। आप यहाँ पर टाइप करके यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करके सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट, मतलब यहाँ पे ये आर्टिकल आएगी, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे आपको मिलता है डाउनलोड, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको मिलता है डायनामिक आइलैंड, आपको डायनामिक आइलैंड पर क्लिक करके यहाँ पे एक और बार क्लिक करके यहाँ पे एक और बार क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आपने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशन देना, सारे परमिशन देने के बाद ये नोटिफिकेशन ये ऑन है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोजिशन में आना है, यहाँ पे आपको मिलता है साइज हॉरिजॉन्टल, ये ऑफ, यहाँ पर साइज हॉरिजॉन्टल में आप यहाँ पर अपना रीसाइज कर सकते हैं इस डायनामिक आइलैंड के साइज को। आपने कर लिया तो अब आपको नोटिफिकेशंस आता है तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आएगा जो एप्पल के स्मार्टफोन में होता है, काफी कमाल का होता है। तो ये थे दोस्तों इसी मोटो एज 50 नियो के आपको मैंने टॉप 10 फ्यूचर्स बता दिया। तो आप इसी तरह के इसी स्मार्टफोन के 100 से ज्यादा फ्यूचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको 59 रुपीज पे करना होगा, यूट्यूब में मेंबरशिप लेके आपको देखना होगा। 100 से ज्यादा ट्रिक्स बताया हूँ आपको, कमाल की तगड़े ट्रिक्स हैं उसमें, 100 से ज्यादा, ये तो 10 फीचर्स थे उसमें 100 फीचर्स हैं। और आप कम प्राइस में 49 रुपीज पे करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके इंस्टाग्राम में देख सकते हैं 100 से ज्यादा फीचर्स वाले वीडियो को। तो चलिए आप जरूर देखना उस वीडियो को, 100 से ज्यादा कमाल की ट्रिक्स हैं उसमें।